ठीक है, मैं बना दूंगा। सर स्टैम्प तो लेना चाहिए। इस्लामाबाद से खातून जज को धमकियां देने पर दहशतगर्दी के मुकदमे का मामला है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत, क्या इमरान खान शामिल तफ्तीश हो गए। जज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए, अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को यह बताया है, वकील के जरिए एक बयान आया जिस पर कहा था कि वो खुद पेश हो। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को यह भी बताया, आप तक बयान पहुंचा जिससे आपने रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया। जज राजा जवाद की जानिब से इस्तफसार किया गया, इससे तो आपकी बदनीयती साबित होती है। जज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जानिब से कहा गया, जबकि मुकदमे के इंदराज को कितने दिन हुए, JIT ताखीर से क्यों बनी, अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि खातून जज को धमकियां देने पर दहशतगर्दी का मुकदमा और इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत, क्या इमरान खान शामिल तफ्तीश हो गए, जज की जानिब से इस्तफसार किया गया। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद है, मजीद क्या कार्रवाई हुई उनसे जान लेते हैं। अफजल जावेद आगाह कीजिएगा। इस्लामाबाद में खातून जज को धमकियां देने पर का मुकदमा और इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत का सिलसिला जारी है। अफजल जावेद कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। आज के रोज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो जमानत कबल गिरफ्तारी के हवाले से दरख्वास्त है उस पर केस की समाअत हुई और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास साहब ने जो है इस दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान के वकील जो है डॉक्टर बाबर अमान वो अदालत के रूबरू पेश हुए और अदालत ने इस्तफसार किया, क्या इमरान खान जो है इस जो FIR है उनमें क्या शामिल तफ्तीश होगी, जिस पर डॉक्टर बाबर अमान की जानिब से बताया कि जी बिल्कुल इमरान खान जो है इस केस में शामिल तफ्तीश होगी है। जो पुलिस के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने इसके इनकार किया, लेकिन डॉक्टर बाबर अमान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इमरान खान के जो खिलाफ ये मुकदमा दायर किया गया इसके अखराज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की जा चुकी है, नोटिसेस भी दिए जा चुके हैं और पुलिस की जानिब से अदालत को गलत तौर पर बताया गया, जिस पर बड़ा ही अहम नुकात जो हैं इंसदादे दहशतगर्दी के अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने उठाए हैं कि सिर्फ उन तकरीर के मामले पर जो है इंसदादे दहशतगर्दी का जो मुकदमा है वो क्यों बनाया गया है और इस तकरीर पर ही मुलजिम से जो है पूछगूछ क्यों करनी चाहिए। तो ये दो बड़े अहम जो नुक्ते हैं इंसदादे दहशतगर्दी के अदालत के जज राजा जवाद अब्बास साहब ने जो है जो प्रोसिक्यूशन टीम है उनके सामने रखे हैं और इमरान खान के जो अभी तक जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में नहीं पहुँचे हैं उनके आने तक जो समाअत है मुलतवी कर दी गई। 11 बजे तक ओवरऑल जो समाअत का वक्फा किया गया है, लेकिन ओवरऑल जो है दो इंतहाई अहम जो निकात है आज के रोज़ इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने जो है प्रोसिक्यूशन टीम के सामने रखे हैं। आप देख जी वालेकुम सलाम। ऑन बिहाफ ऑफ मोहतरमा फाउंडेशन जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। ऑन बिहाफ ऑफ मोहतरमा फाउंडेशन वी हैव बीन प्रोवाइडिंग वार्म मील्स टू पीपल इन राजनपुर एंड ऑल अराउंड एंड वी हैव बीन सर्विंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मील्स ऑन अ डेली बेसिस एंड वी आर planning on giving your organization at least $100,000 to $150,000 and this year our plan is to raise $2.5 million for the flood victims inshallah. bahut bahut shukriya ji aur bahut kharaj tehsin aapko 2.5 arab rupya raise karenge aap bahut shukriya bahut bahut shukriya yahan pe hum ek waqfa lete hain thodi si technical cheeze ye bhi theek karte hain aap calls ka silsila jari rakhein।
थोड़ा डिले हो सकता है बातचीत में, लेकिन आप अपनी बात रवानी से करें, आपकी आवाज हमें बिल्कुल साफ और शफाफ आ रही है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। चलती है ये लाए अमल, आओ हम सब साथ चले, मुश्किल हो या आसानी हाथ मिलाए हाथ चले, धड़कन है पंजाब मगर दिल अपना मेहरान है। और इसके साथ ही ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको, माशाल्लाह 5 अरब रुपए की प्लेजेस इस सिर्फ इस टेलीथॉन के अंदर अब तक आ चुकी है, 5 अरब रुपए की। खान साहब, मैं देखिए पिछला जो हमारा टेलीथॉन था वो 3 घंटे का था, और 3 घंटे में हमने 5 अरब से ऊपर अपने पाकिस्तानियों से इकट्ठा किया, जिसमें 2 अरब की प्लेजेस हैं। जब इंशाल्लाह ये जब घर बनाने शुरू करेंगे तो उन्होंने कहा कि वो फिर अपने 2 अरब की मजीद और प्लेजेस आएंगे। रिहैप इस बारी हमने सिर्फ 2 घंटे का किया टेलीथॉन, और उस 2 घंटे के अंदर 5 अरब रुपया पाकिस्तानियों ने दिया। और मैं आज ये खास तौर पे चीज कहना चाहता हूं, मैं अपनी कौम के सामने ये कौम को बताना चाहता हूं कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे से किया क्या। आप ये सोचे हैं कि पहले तो इन्होंने हमें बाकी टीवी चैनल्स पे जाने नहीं दिया, टेलीफोन कर करके टीवी चैनल्स को धमकियां दी जाती हैं कि आपने चले इमरान खान का जलसा नहीं दिखाया, वो तो जलसे तो दिखाने नहीं देते। उसके बाद जब जलसे भी यूट्यूब पे आ रहे हो, यूट्यूब इन्होंने बंद कर दिया। अब ये टेलीथॉन तो कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, इस टेलीथॉन के अंदर तो हम उन लोगों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जो इस वक्त बहुत मुश्किल में है, और मदद कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट्स की, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए हमें पता है मजबूर है, बहुत ज्यादा नुकसान हो। लेकिन मैं कभी कभी नहीं ये समझता था कि जो लोग उन सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट रुकावटें डालेगी। इन्होंने सारी चैनल्स को, पहले तो उन्होंने बाकी चैनल्स को दिखाने नहीं दिया, ठीक है, लेकिन जो चैनल्स दिखा रही थी उनको भी इन्होंने केबल के ऊपर प्रेशर डाल के केबल पे चलने नहीं दिया। तो मेरा सवाल यह है कि कोई शर्म नहीं आती आपको? मैं ये गवर्नमेंट से कह रहा हूं, शर्म नहीं आपको आती कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स, हमें कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स ना करो और सैलाब वालों की मदद करो, सैलाब वालों की मदद कर रहे हैं और आप उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपने जाती फायदे उठाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंद कर रहे हैं चैनल्स को कि कहीं इमरान खान को क्रेडिट ना मिल जाए। ये आपको कोई फिक्र नहीं है वो सैलाब में जो बेचारे मुतासर? मैं इसलिए आज ये कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह जितनी देर मेरे में अल्लाह ने जान दी है मैं आप जैसे लोगों का मुकाबला करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं आप मुल्क के गद्दार हैं। ये इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है कि आप सिर्फ और अपनी जाते मुफादात के लिए आपको फिक्र ना करें उन बेचारे लोगों की जो बड़े बुरे हालात में। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हमारे टीवी चैनल ओटीवी ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।